हाँ जी, तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एएस, ये होते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। ये कुछ डिफरेंट होते हैं, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है और इंड एएस अलग है, ठीक है ना। दोनों का अपन जस्ट ओवरव्यू है, आपके फाउंडेशन में इसका कुछ डिटेल नहीं है, जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से पूछ ले तो पूछ ले, बाकी कोई इसका यूज नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर वन हो गया। फिर आता है चैप्टर टू। चैप्टर टू है अकाउंटिंग प्रोसेस। अब अकाउंटिंग प्रोसेस है तो ये तो आप ही बता दोगे कि क्या क्या इसमें बन सकते हैं चैप्टर्स। पहला जनरल एंट्री, हाँ करेक्ट, जनरल एंट्रीज। इसका वेटेज भी आप ज्यादा, इसका वेटेज भी जो है मैक्सिमम 3 से 5 मार्क्स का इसका वेटेज है, ठीक है ना। क्योंकि जब मेन प्रैक्टिकल में जाएंगे, वेटेज इनका वहीं पर है। इनका यूज क्या है, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, जब वहां जाएंगे ना, वहीं पर इनका यूज है। तो ये तो जस्ट थ्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पूछ ले तो बात अलग है। जनरल एंट्रीज, लेजर, करेक्ट, जो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। फिर आता है आपका ट्रायल बैलेंस, करेक्ट, कैश बुक और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है ना, कि अगर आपसे कोई जनरल एंट्री गलत हो गई तो उसे कैसे रेक्टिफाइड करना, वो है। फिर आता है आपका चैप्टर 3। चैप्टर 3 है आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जिसे आप बीआरएस बोलते हो, ठीक है ना। इसका वेटेज बहुत है ना। ये भारी लगता है ना, कल अपने सब बोले थे भारी लगता है, भारी लगता है। ये 10 मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स का है सिर्फ ये, हाँ 10 मार्क्स। अरे टेंशन मतलब भारी एक भी चीज नहीं लगने दूंगा मैं आपको, बस रिलैक्स रहो तुम। 10 मार्क्स बस, ठीक है। शुरुआत का टाइम जो होगा ना, वो अपना फंडामेंटल्स का टाइम होगा, अपन उसमें फंडामेंटल्स मजबूत करेंगे। जब इनमें जाएंगे तो हमको कोई याद करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज फंडामेंटल पे काम कर रहे होंगे अपन। ये 10 मार्क्स का है चैप्टर आपका बीआरएस, ठीक है। चैप्टर 4 वो आता है आपका इन्वेंट्री, ये है आपका 5 मार्क्स का। ये 5 मार्क्स का चैप्टर है आपका इन्वेंट्री, ठीक है। राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, है ना, आ रही है क्या? मेरे को फाइनल वाले बच्चे तो गालियां देते हैं, सर आपकी राइटिंग समझ नहीं आती है। यहाँ ये भी गालियां दे रही है, नहीं सर नहीं आती है। कोई बात नहीं, आ जाएगी आ जाएगी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी तुम सबको मेरी राइटिंग की। और ऐसे अच्छी लिखता हूं मैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, बाद बाद इशू। चलो फिर आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है वो आपका है 4 से लेके 10 मार्क्स का। मतलब आया तो 10 मार्क्स का भी आ सकता है, नहीं आया तो 4 मार्क्स पे भी अटक सकता है मामला। तो 4 से 10 मार्क्स का आपका डेप्रिसिएशन होने वाला है। फिर जो अगला चैप्टर है, दैट इज स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस, स्पेशल ट्रांजेक्शंस। स्पेशल ट्रांजेक्शन मतलब क्या हो गया, जैसे आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल ऑफ गुड्स हो गया, कंसाइनमेंट हो गया। कंसाइनमेंट भी था शायद आपके, या ये नहीं था, ये नहीं थे, बिल ऑफ एक्सचेंज भी नहीं था, सेल ऑफ गुड्स था है? अच्छा यहां नहीं था, अभी 12th में नहीं था, और ये कंसाइनमेंट तो दोनों में ही नहीं था। तो एक ये प्योरली न्यू चैप्टर है आपके लिए। फिर आप एवरेज ड्यू डेट, ये तो था है ना, एवरेज ड्यू डेट तो था, हाँ, था ना ये वाला। और फिर आपका करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, इन सब का जो वेटेज है वो आपका वेटेज रहेगा लगभग 10 to 15 मार्क्स, ठीक है ना। 10 to 15 मार्क्स का आपका ये वाला वेटेज रहने वाला है। चैप्टर 6 तक लिख लिया आपने, चैप्टर 7, टोटल 10 चैप्टर आपके। चैप्टर 7 आपका फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स आपने कौन कौन से किए, फाइनल
नॉन मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों या जनरल? जनरल, ठीक बात है, कोई बात नहीं। यहां उसे टू पार्ट्स में सेग्रीगेट कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, ठीक है ना। तो वहां अपन दो पार्ट में है, एक तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और दूसरा है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। स्पेलिंग लिखनी हो तो मैंने नीचे लिख दी है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ये फाइनल अकाउंट आपका होता है 10 to 15 marks, 10 to 15 marks। चैप्टर 8 आपका फेवरेट चैप्टर, पार्टनरशिप, है ना, फेवरेट रहा है ना सभी का। बड़ा भारी होता है या नहीं, कैसा लगता है, इजी है? हाँ बस बस बस, एग्जैक्टली पार्टनरशिप। अगर वो आपको ढंग से आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये आपका 15 मार्क्स का है, ये आपका 15 मार्क्स का है। अब इस पार्टनरशिप में आ गया इंट्रोडक्शन, आ गया गुडविल, आ गया रिटायरमेंट, आ गया एडमिशन, आ गया, ठीक है। चैप्टर 9th, ना एनपीओ, करेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपके है 10 मार्क्स का। और इसके बाद सबसे जो आपका फेवरेट कंपनीज अकाउंट, सबसे ज्यादा फेवरेट आपका ये है और सबसे ज्यादा मार्क्स आपको यही देके जाता है। कितने मार्क्स? 20 marks, वाह 20 marks। इसमें क्या क्या आ जाता है? इंट्रोडक्शन, इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है ना, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइट, फॉरफीचर, री इश्यू, ये सारा आ जाता है। डिबेंचर्स में ओनली इश्यू है, बाकी शेयर्स के केस में इश्यू, फॉरफीचर और री इश्यू, ये तीनों चीजें आ जाती है, ठीक है। लिखाऊं क्या? लिखाई देता हूं, हाँ नहीं ना, ठीक है। तो ये अपना एक ओवरव्यू है कि इस तरीके से आपका ये मार्क्स वेटेज यहां पर होता है, ठीक है। और अभी अपन जो करेंगे ना, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, थ्योरी वाले पार्ट को। मैं यहां पर मान के चलो टेंटेटिव 5 to 7 days यहां स्पेंड करूंगा, उससे होगा क्या, आपके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो भी मैं यहां पे कवर कर लूंगा, ताकि हम वहां जाएंगे ना तो फंडामेंटल के साथ जाएंगे। और थ्योरी का वेटेज क्या होता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, ठीक है, कोई कमेंट लिखने को आ सकता है कि वेदर दिस सिचुएशन इज करेक्ट और नॉट, मेंशन योर रिमार्क्स, ठीक है। तो वहां पे अपने आपको कमेंट लिखना पड़ सकता है, तो इसीलिए थ्योरी हमें समझना बहुत जरूरी है। चलो स्टार्ट करें। यस, तो कल जो हमने पढ़ा था एक बार सभी को मैं वापस रिकॉल करा देता हूं, आप 2, 3, 1, 4 आप नए हो तो यस रिकॉल कर लेते हैं अपन ने जो कल पढ़ा था, ठीक है। कल हमने शुरुआत की थी प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना, जो अभी आते ही मैंने पूछ लिया था सबसे, यही हमने कल पढ़ा था प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। क्या होता है प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, ये आपको बताने की कोशिश करोगे। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग सिंपल है, अकाउंटिंग की प्रोसेस, ठीक है ना, अकाउंटिंग की प्रोसेस। तो सबसे पहले डेटा ले लो, डेटा से क्या करो, जनरल एंट्री बना लो, जनरल एंट्री से क्या बना लो, लेजर बना लो। लेजर का क्या काम है, टीबी, बैलेंस शीट बनाने के लिए। बट बैलेंस शीट कैसे बनेगी, लेजर से टीबी बना हुआ होना चाहिए हमारे पास। टीबी बन गया, टीबी से आप क्या बनाओगे, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। इसे क्या बोलते हैं, अगर एक सिंगल वर्ड में बोलना चाहूं, पीएन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इससे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा। अच्छा, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, और एक चीज आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल आ गया, बैलेंस शीट हो गई, और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। इवन अगर तुम्हें पता है नोट्स टू अकाउंट्स, पढ़ा है नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है ना, ये भी फाइनेंशियल्स के पार्ट्स होते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं, जो भी पीएनएल अकाउंट में और आपने ये लिखे होते हैं ना बैलेंस शीट के अंदर आइटम्स, उनके बारे में डिटेल्स होती है, उनके शेड्यूल होते हैं और शेड्यूल से रिलेटेड कुछ नोट्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, राइट। जैसे आपका प्रोविजन है, कोई प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, ये सब लिखा हुआ होता है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। चलो, तो यहां तक क्लियर हो रहा है, दिस इज द प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग, ठीक है। चलो मैं लिखाना शुरू कर ही देता हूं आपको, ताकि आपके नोट्स भी डेवलप्ड होना शुरू हो जाए। चलो, और उसको एक एक को अपन समझते हुए भी चलेंगे साइमल्टेनियसली। सबसे पहले प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग,
फिर इसके बाद तो मैं नोट्स दे दूंगा है ना, ताकि आपको बाद में इश्यू नहीं रहेगा। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, ये चैप्टर वन है अपना, चैप्टर वन का स्टार्ट है, और फिर मॉड्यूल से भी अपन पूरा कवर करेंगे। तो प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग में दो चीजें मैंने आपको यहां बताई है, लास्ट मोमेंट पे यही काम आने अपने को, यही नोट्स इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूं, ठीक है ना, लास्ट मोमेंट पे रिकॉल करने के लिए यही काम आएंगे। ठीक है, पहला है जनरेटिंग जनरेटिंग इंफॉर्मेशन, जनरेटिंग इंफॉर्मेशन, और दूसरा क्या है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक चैप्टर है, ये मैं लिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको प्रिंटेड नोट्स दे दूंगा ताकि अपना टाइम बचेगा, है ना। जनरेटिंग इंफॉर्मेशन, अब इसमें मैंने तीन चीजें आपको बताई थी, पहला रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, हाँ, फिर समराइजेशन। समराइजिंग, ठीक है। सो ये तीन चीजें यहां पर आ गई आपकी जनरेटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर। फिर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या आ जाता है आपका, एनालाइजिंग, हाँ एनालाइजिंग, इंटरप्रेट करना, और फिर कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो ये यहां पर आपका प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाता है। अब रिकॉर्डिंग मतलब क्या हो गया, आप जो एक बार नए हैं सबको वापस बता रहा हूं, रिकॉर्डिंग मतलब क्या हो गया, आपके कई सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, उनको रिकॉर्ड करना। कैसे करोगे रिकॉर्ड, हमारे अकाउंट्स में हमको जनरल एंट्री समझ में आती है, अकाउंट वाला बोलता भाई मेरे को जनरल समझ में आता और कुछ समझ नहीं आता, तो जनरल एंट्री, तो उससे ही रिकॉर्डिंग करना बोला जाता है। ठीक है, अब आपने रिकॉर्ड कर लिया, फिर उनको क्लासीफाई करो, क्लासीफाई करो, करेक्ट, मतलब लेजर बनाओ कि भाई कैश का लेजर अलग बनाओ, फर्नीचर का लेजर अलग बनाओ, सो क्लासीफाइंग, समझ आ रहा है। ठीक है, और फिर क्लासीफाइंग आपने कर लिया, तो जब आपने सारे लेजर बना दिए तो लेजर का जो बैलेंस होता है उसके बेसिस पे क्या करो, समराइज करो, दैट्स इट। ठीक है, आपके लिए एक बार वापस से बता रहा हूं, चलेगा बाकी सबको, चलेगा ना, सब इश्यू तो नहीं है, थोड़ा सा वापस आप बोलोगे कल का पढ़ा हुआ आज वापस, बट कोई बात नहीं, क्विक रिकॉल करा देता हूं ताकि आप सबके लिए एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा। फिर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, चलो आप जो नए आए हैं वो बताओ, चारों में से आप बताओ कि ये जो अपना समराइज कर लिया अपन ने, टीबी बना लिया, टीबी से अपन ने क्या कर लिया, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बना ली, अब क्या करें इसका, एक्चुअली क्या काम क्या है इसका, क्या यूज होता है इसका, यस कोशिश करो, ये जो क्यों बना रहे हो बैलेंस शीट पीएनएल, क्यों बना रहे हो बताओ, बैलेंस शीट पीएनएल बना क्यों रहे हो, अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं अपन, जरूरत क्या है अकाउंट्स की, प्रॉफिट एंड लॉस पता पड़ गया करेंगे क्या उसका, हाँ बताओ, सोचो, सही बोल रहे हो, आप खुद बन जाओ मालिक, आप मालिक बन जाओ, आपके लोग काम कर रहे हैं, अरे पीएनएल बना रहे, बैलेंस शीट बना के दे, क्या करता रे, बनाता नहीं है टाइम पे, क्या क्यों चाहिए आपको बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट, एनालाइज कर सको, मेरा बिजनेस घाटे में तो नहीं चल रहा है, ये सुनो, तो एंगल उस एंगल से सोचो, उस एंगल से सोचो, है ना, मेरा प्रॉफिट घाटे में तो, मेरा बिजनेस घाटे में तो नहीं चल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, बिजनेस में पैसा लगाऊं नहीं लगाऊं, इस बिजनेस से वापस छोड़ दूं, नया बिजनेस शुरू करूं या इसी बिजनेस को एक्सपांड करूं, ये सारे डिसीजन लेने होते हैं ना तुमको, तो इसलिए अकाउंटिंग जरूरी है, बिना अकाउंटिंग के तुम डिसीजन नहीं ले पाओगे, राइट। तो एनालाइज, इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट यही करना कि भाई डिसीजन क्या लेना है, और फिर कम्युनिकेट करना। ठीक है, अब कम्युनिकेट किसको करोगे, तुम्हारे जो अकाउंटेंट्स होंगे वो तुमको कम्युनिकेट करेंगे, देखो साहब अपनी कंपनी में घाटा चल रहा है, कुछ नया स्ट्रेटेजी लेके आओ, मार्केटिंग ज्यादा करो, व्हाटएवर जो भी। ठीक है, सो दीज आर द प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, पहला जनरेटिंग इंफॉर्मेशन और दूसरा यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर आता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, चलो अगला ये हो गया, अब अपन लिखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूं, पूरा मॉड्यूल समराइज हो जाएगा यहां पर आपका। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कल आपने बताया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है, यस यस, ये जो अभी अपन ने देखा ना, जनरेटिंग और इनका मिक्सचर्स कर दो, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एंड एनालाइजिंग इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट टू द रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स, दैट्स इट, दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना, दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ये जो अपन ने पढ़ा ना, ये और ये इनका कॉम्बो कर दो, दैट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइजिंग,
समराइजिंग, एक मिनट यहाँ इस पे इसके साथ और चीज लिख देता हूं ताकि आपके लिए इजी रहेगा, ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन, ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन इन सिग्निफिकेंट मैनर, इन सिग्निफिकेंट मैनर फॉर एनालिसिस, फॉर एनालिसिस इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट, कम्युनिकेट टू रेस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स, रेस्पेक्टिव स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब क्या होता है? जो भी हाँ बिजनेस से कनेक्टेड है, ये मत समझना ओनली शेयर होल्डर, नहीं, स्टेक होल्डर मतलब जो इस बिजनेस से कनेक्टेड है, जिसको ये इंफॉर्मेशन नीड होगी, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्ड क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन इन सिग्निफिकेंट मैनर फॉर एनालिसिस इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट टू रेस्पेक्टिव स्टेक होल्डर। चलो अब आते हैं थर्ड वाला पार्ट, दैट इज, मैं आपको वैसे तो नोट्स दे दूंगा बट अभी आज इस बार तो लिखा रहा हूं, ठीक है, बाद में तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। एक बार मैं सारा आपका थ्योरेटिकल नोट्स डेवलप करके प्रिंट करवा दूंगा सारे। चलो यहां तक क्लियर है? फिर आता है इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज सोशल साइंस, इसको चलो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज सोशल साइंस। चलो अभी यहां अपन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अपन नोट्स बाद में बनाएंगे इनके, तो एक बार सबसे पहले पढ़ लिया जाए ये होता क्या है। ये तो मैंने कल पढ़ाया था बस, अब अपन आगे चलते हैं। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज सोशल साइंस क्या है ये, कोई बताएगा? इवोल्यूशन, अकाउंटिंग का इवोल्यूशन हुआ कैसे, क्या जरूरत पड़ी थी अकाउंटिंग की, बताओ। हाँ प्रॉब्लम यही आ रही थी कि भाई हम बिजनेस करे जा रहे हैं, हमें एनालिसिस हो नहीं रहा है ना, तो 15वीं 12वीं शताब्दी के अंदर और 15वीं शताब्दी के अंदर डबल एंट्री टाइप के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो हमारा डबल एंट्री कंसेप्ट है ना, ये कब आया? 15वीं सेंचुरी के अंदर, ठीक है ना, तब ये हमारा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तब ये जो बड़े लोग होते थे, बड़े पैसे वाले लोग होते थे, उनको पैसा मैनेज करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम सेट किया कि यार अपन को इस तरीके से पैसा मैनेज करना है, राइट? तो 15वीं शताब्दी के अंदर ये अकाउंटिंग डबल एंट्री कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। बाद में इसे धीरे 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 रिवॉल्यूशन करते हुए एक प्रॉपर अकाउंटिंग का कंसेप्ट दे दिया गया, जिसे आज कई सारे कॉर्पोरेट्स और हम सभी उसे यूज करते हैं। तो दैट इज द सोशल इंपॉर्टेंस, हम ये बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज ए सोशल। और अब हमारा हर एरिया के अंदर, हर एरिया के अंदर आज अकाउंटिंग का यूज होता है, ठीक है ना, तो सोशल अकाउंटेबिलिटी भी बहुत है अकाउंटेंसी का, राइट? तो इसका ज्यादा ऐसा कुछ है, सच है नहीं, ये देखो मॉड्यूल भी साथ साथ में एक बार देख लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग द प्रेजेंटली फॉलोड डबल एंट्री सिस्टम, ये आपकी 15वीं सेंचुरी में आया था और बाद में इसे डेवलप किया गया, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ऑप्ट किया, राइट? इन सेकेंड फेज कॉर्पोरेट्स, हम जैसे जो बिजनेसमैन है, उन सब ने इसे ऑप्ट करना शुरू कर दिया इन सेकेंड फेज, ठीक है? तो जस्ट नॉर्मल इन्होंने बताया। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यस बताओ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, बताओ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यस हाँ ऑब्जेक्टिव, ओके ऑब्जेक्टिव, हाँ ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, हाँ हाँ ठीक है, मतलब हाँ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग करते क्यों है, ऑब्जेक्टिव मतलब करते क्यों है अकाउंटिंग, करते क्यों है अकाउंटिंग, वो है ऑब्जेक्टिव। एक तो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाए सभी चीजों की, ठीक है ना, तो देखो पहला पॉइंट अगर आप इसमें देखोगे, दैट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, दिख रहा है ना बराबर, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग करते क्यों है, ताकि आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर सको चीजों को, ठीक है। अरे रिकॉर्ड कर लिया होगा क्या, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने से होगा क्या, आपको जो रिजल्ट चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का, वो आप डिटरमाइन कर पाओगे, ठीक है ना। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करोगे तभी तो आपको पता पड़ेगा मेरा रियल प्रॉफिट क्या है, रियल लॉस क्या है, करेक्ट। तो सेकंड आपका क्या हो गया, असर्टेन द रिजल्ट ऑफ द अबाव रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, जो भी आपने रिकॉर्ड किया है उसका रिजल्ट क्या है वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। फिर जब आपने अपना रिजल्ट आइडेंटिफाइड कर लिया, जैसे मैंने सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करके पीएनएल अकाउंट बना लिया, पीएनएल अकाउंट से जो भी रिजल्ट आया उसके बेसिस पे हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता पड़ जाएगी, ठीक है ना, कि आज मेरे को घाटा है या प्रॉफिट है, ठीक है,
वो मुझे पता पड़ जाएगा. सो असर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. और जब मुझे अपनी बिजनेस की पोजिशन पता पड़ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं डिसीजन लेने में मेरे को हेल्प हो जाएगी. डिसीजन कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, क्या इस बिजनेस में एक्सपेंशन करना है या नहीं करना है, वो मुझे पता पड़ जाएगा. और फिर उसके बेसिस पे मैं अपना सोल्वेंसी पोजिशन पता लगा लूंगा. सोल्वेंसी क्या होती है, सर्वाइवल कंडीशन, कि हाँ लिक्विडिटी कितनी है मेरे पास. तो अगर मैं आपको ये 5 पॉइंट याद करने को बोलूं तो याद हो गए क्या, हो गए पक्का? इसका एक शॉर्टकट बना लेते हैं. अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हाँ ऐसे ये तो हो गया, तो मैं एकदम कोशिश थोड़ा लोड डालना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. अब मैं शॉर्टकट बताता हूं उसका. सांप का एक सर्प होता है ना, स्नैक, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डसना है ना, हाँ सही बोले, तो सिर्फ डसना. उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिर्फ डसना. क्या होता है, सिर्फ डसना. ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग. फिर दूसरा आर, हाँ रिजल्ट्स. एफ फाइनेंशियल पोजिशंस, डी डिसीजन मेकिंग, और एस सॉल्वेंसी का पता लगाना. सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव में आपको याद आना चाहिए सांप का डसना, सिर्फ डसना. ठीक है ना, तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग हो. सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग क्यों की जाती है, ताकि हम हमारे रिजल्ट्स को, रिकॉर्डेड जो ट्रांजेक्शन है उसके रिजल्ट आइडेंटिफाइड कर सकें. जब हमें रिजल्ट पता पड़ जाएगा तो उससे हम फाइनेंशियल पोजिशन समझ पाएंगे. फाइनेंशियल पोजिशन जब हमें पता पड़ गई तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा, और डिसीजन मेकिंग जब हमारी हो गई तो उससे हम हमारी सॉल्वेंसी का पता लगा पाएंगे. सो वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग, सिर्फ डसना. एस आर एफ टी एस, एस सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, आर रिजल्ट्स ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स, रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो रिजल्ट क्या है उसका, एफ उससे हम रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन से हमारा फाइनेंशियल पोजिशन पता पड़ जाएगा. डी उसी जब हमारी फाइनेंशियल पोजिशन पता पड़ गई कि आज मेरा बैलेंस शीट में एसेट्स कितना है, लाइबिलिटीज कितनी है, तो मैं डिसीजन ले पाऊंगा. और एस उससे मेरे को पता पड़ जाएगा मेरा सॉल्वेंसी रेशियो कितना है. राइट, सो अगर आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ जाए तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ डसना. ठीक है ना, बस वैसे ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, बट अगर आ भी जाए, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, तो हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. और ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे कि मेंशन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दी अकाउंटिंग 2 नंबर में, अब क्या करेंगे, अब हम लिख के आ जाएंगे कोई कुछ भी. इनको चाहिए मॉड्यूल का, जो आपके मॉड्यूल के पॉइंट्स है वो इनको वही चाहिए कि भैया वही लिखे हुए होने चाहिए. तो अब आपको भूलोगे नहीं ना, अब सिर्फ दसना है ना, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, सिर्फ दसना, एस आर एफ डी एस. चलो अब आ जाओ फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. फंक्शन, फंक्शन, अब यार ये बोलता है फंक्शंस, ये जो ना अकाउंटिंग है इसके फंक्शंस क्या है, काम क्या आता है अकाउंटिंग, क्या काम आई है हमारे, डिसीजन मेकिंग में यूज आती है. बिल्कुल, पहला तो था ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं अकाउंटिंग, दैट इज ऑब्जेक्टिव. फंक्शन, अकाउंटिंग कर ली उसका यूज क्या है, यूज क्या है, दैट इज फंक्शन, काम यूज क्या है उसका. तो देखो सबसे पहले मेजरमेंट, मेजरमेंट ये बोलता है आप अपना एनालिसिस कर सकते हो बिजनेस का, पास्ट परफॉर्मेंस वर्सेस करंट परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस वर्सेस करंट परफॉर्मेंस आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो. थ्योरी लूं या नहीं लूं बताओ, क्या लगता है तुम्हें, भारी तो नहीं जाती थ्योरी, ले लूं, मतलब ये मेरे हिसाब से 5 दिन लगाएंगे थ्योरी में, या एक एक शॉट ले लें, कोई लंबा 3-4 घंटे का एक स्लॉट ले लें और कंप्लीट कर दें, चलने दें ऐसे ही पक्का, मतलब ऐसा ना हो भरी जाए तुम्हारे, क्योंकि एक प्रैक्टिकल होता है ना तब तो मजा आ जाता है, थ्योरी में थोड़ा सा वो लगता है कि यार मामला क्या हो रहा है ना. क्या हो गया, हाँ तो यहाँ देखो मेजरमेंट मतलब क्या हो गया. अच्छा मुझे ये बताओ कि भाई तुम्हारा, तुमने अपने बुक्स बना ली, और मेरा पहले और अभी, मैं यार पहले से ज्यादा कमाया या कम कमाया, कैसे पता पड़ेगा, कंपेयर करोगे ना, दैट इज कंपैरिजन, मेजरमेंट. आप अपने पास्ट रिकॉर्ड से प्लस करंट रिकॉर्ड के बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हो. इवन जब आप कंपनीज में जाओगे ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो वो आप क्वार्टरली एनालिसिस, सुना है आपने क्वार्टरली एनालिसिस क्या होता है, यस हाँ है, नहीं 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 क्वार्टरली 4 महीने का, तीन महीने क्वार्टर, 1, 2, 3 ईयर में 4 टाइम्स, हाँ क्वार्टर, अपन ने तो लिया होगा क्वार्टर, ले वो वाला क्वार्टर नहीं भाई, क्वार्टर क्या कर रहे हो. तो क्वार्टरली एनालिसिस मतलब क्या होता है, हर बड़ी कंपनीज होती है ना, उनको हर 3 महीने में अपने बैलेंस शीट बनाने होते हैं, हर 3 महीने में,
ठीक है। अब हर 3 महीने में बैलेंस शीट बनाए, और हर 3 महीने में किनको देने होते हैं? अपने स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर को। फिर उनको बोलते हैं, भैया ये बता इस साल तो चलो अपना ठीक है, ये लास्ट क्वार्टर में क्या था रे? इस लास्ट क्वार्टर मतलब लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था, जैसे अपनी गर्मी का सीजन चल रहा है, ठीक है ना, ये मान लो एसी है अपना, कौन सा जो भी है, वोल्टास। वोल्टास बोलेगा गर्मी के लास्ट जो क्वार्टर था, लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था, उसमें कितनी सेल हुई और अभी कितनी सेल हुई, अरे डाउन क्यों गई रे भाई? तो क्या होता है, क्वार्टरली एनालिसिस, समझ आ रहा है? ऐसे मंथली एनालिसिस होता है, ऐसे ईयरली एनालिसिस होता है। वो कैसे करोगे अगर तुम्हारे पास अकाउंटिंग नहीं होगी तो कैसे करोगे? तो इसीलिए अकाउंटिंग होना बहुत जरूरी है। इवन आप जब कंपनीज में जाओगे आपको ये काम करना पड़ेगा। वेरियंस एनालिसिस बोला जाता है, मान लो साथ साथ बता रहा हूं, देखो लास्ट ईयर मेरा एक्सपेंसेस जो हुआ था वो हुआ था 10 लाख रुपए का, और करंट ईयर में मेरा एक्सपेंसेस हुआ है 15 लाख रुपए का, तो मेरा एक्सपेंसेस बढ़ा है घटा है? बढ़ा है, इंक्रीज 5 लाख से। क्यों हुआ इंक्रीज, ये कैसे बताओगे? ये तुम्हें अकाउंटिंग से ही पता पड़ेगा कि सर मैंने एम्प्लॉय ज्यादा हायर कर लिए, मैंने असेट्स ज्यादा लगाई, उस पर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट, व्हाटएवर जो भी है वहां से तुम्हें देखना पड़ेगा। सो ये कैसे होगा? मेजरमेंट। ये तभी होगा जब तुम्हारे पास अकाउंटिंग होगी। दिस इज द फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग, पहला मेजरमेंट, ठीक है। फिर आता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है? फ्यूचर मतलब कैसे प्रिडिक्शन करना, किस चीज का? हाँ, इस बार मैंने इतनी सेल कर दी है, लास्ट ईयर मैंने इतनी सेल कर दी थी, अब मेरी अगले साल कितनी सेल हो सकती है, या लास्ट ईयर मेरे इतने खर्चे हो गए थे, अब मैं अगले साल मेरे कितने खर्चे होंगे। ये बजट पढ़ा है तुमने कभी? बजट क्या होता है? बजट एक रफ आइडिया कि मेरा आगे आने वाली इनकम कितनी होगी और मेरे आगे आने वाले साल में खर्चे कितने होंगे। रफ आइडिया कहां से लोगे भाई? हवा में? अकाउंटिंग से। बड़ी बड़ी कंपनीज को ये एस्टिमेशन करने होते हैं। बजट एक बहुत अपने आप में एक एरिया है, बजटिंग अपने आप में एक एरिया है जहां पे लोगों को हायर किया जाता है, आओ बजट बनाओ। कैसे बनाओगे? उनको क्या पता सर कैसे बनाएंगे? सर अभी ट्रांजेक्शन होगा जब बनाएंगे। अरे ट्रांजेक्शन होने के बाद वो बजट थोड़ी रहा भाई मेरे, बजट तो बनता है ट्रांजेक्शन होने से पहले, राइट? ट्रांजेक्शन होने से पहले। तो ट्रांजेक्शन होने से पहले बजट कैसे बनाओगे? बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड, जो पास्ट में ट्रांजेक्शन हुए हैं, राइट? क्या हो गया आपको? थ्योरी बोर मार रही है? चलो कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, निकाल देंगे थ्योरी का सफर, 2-3 दिन का सफर। मैं थोड़ा फास्ट ले लूंगा थ्योरी, ऐसा कर लूंगा ताकि थ्योरी वाला पोर्शन जाए, फिर हम जनरल एंट्रीज पे आ जाए, मजा आएगा फिर तो, है ना। तीसरा, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग वही, जब आपके पास अकाउंटिंग डेटा पूरा होगा तो आप डिसीजन ले पाओगे वेदर आई हैव टू कंटिन्यू दिस बिजनेस और नॉट। तो आपका फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में क्या हो गया? मेजरमेंट हो गया, फोरकास्टिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को कंपेयर भी कर सकते हो। यस, अपना बिजनेस कर रहे हो तो खुद के बिजनेस में रहोगे, आजू पड़ोसी को भी देखोगे, देखते ना हो यार उसके तो गाड़ी आ गई, हम मेरे कब आवेगी, है ना, यस और नो? तो कंपैरिजन करते हैं ना, तो आपको अपने बिजनेस को कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। अगर मान लो आप रिफाइनरी सेगमेंट में हो तो आप रिलायंस से कंपेयर करोगे, अडानी से कंपेयर करोगे कि यार उसका बिजनेस क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, क्या उसके रेशियो में मैं कहां कम हो रहा हूं, वो कैसे करोगे जब आपके पास अकाउंटिंग डेटा होगा, राइट? सो कंपैरिजन इन इवैल्यूएशन। फिर कंट्रोल, जब आपको पता पड़ जाएगा कि मेरे इतने खर्चे हैं, ये अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, तो आप उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हो, राइट? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, कंट्रोल। और फिर आता है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, मतलब आपको गवर्नमेंट को भी कई सारे कंप्लाइंसेस पूरे करने होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड भी, राइट? तो वहां पर भी आपको ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी होती है। सो दीज आर दी फंक्शंस, राइट? अब फंक्शंस को याद कैसे रखोगे? अरे अब MGF मॉल के बारे में सुना है क्या? MGF मॉल दिल्ली में हुआ करता है, बहुत अच्छा मॉल होता है, MGF मॉल करके है, ठीक है ना, MGF मॉल। अब फंक्शन अपन कहाँ करें यार, बर्थडे का फंक्शन करना है, मान लो क्या नाम है आपका? हाँ, अर्नव गोस्वामी, है ना। गौर से देखिए इस इंसान को, वही है ना अर्नव गोस्वामी, है ना, देखो जी न्यूज में वही आता ना अर्नव गोस्वामी। हाँ, तो अब अर्नव का जो बर्थडे सेलिब्रेशन करना है कहाँ करना है? MGF मॉल में कर ले, MGF मॉल के अंदर। CCD ने अरेंजमेंट अच्छा कर रखा है यार, वहां कर लेते हैं। तो इनका जो फंक्शन हमें करना है कहां करना है? MGF मॉल में CCD,
एम से मेजरमेंट, जी से गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, राइट, और एफ से आपका फोरकास्टिंग, और सी सी डी से कंपेयर कंट्रोल, और डी से डिसीजन मेकिंग, ये लो, ठीक है। सो यहां पर ये शॉर्टकट्स आपको बाद में हेल्प करेंगे, जब आपको चीजें फटाफट से रिकॉल करने को होगी ना, तभी आपको हेल्प करेंगे और चीजें मिस नहीं होगी। फंक्शंस एमजीएफ में सीसीडी, ठीक है ना, फंक्शन कहां करना है इनका, एमजीएफ मॉल के अंदर, सीसीडी के अंदर इनका फंक्शन करेंगे, राइट। तो एमजीएफ सीसीडी मेजरमेंट, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देनी होती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरकास्टिंग, सी कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, कंट्रोल, और डी से डिसीजन मेकिंग, राइट। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ दी अकाउंटिंग। अभी मैं पूछने वाला हूं वापस सबसे, ठीक है। यस, बुक कीपिंग क्या होता है, चलो अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा बस, ज्यादा कुछ भी नहीं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, यस, क्या है ये बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग, ओके, अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है, आपने भी यही बोला कि भैया एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो करते हैं, दैट कंसेप्ट इज द बुक कीपिंग, ठीक है ना, प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग जो आप करते हो, दैट इज बुक कीपिंग। बस बुक कीपिंग इतना ही है ना, या इसके आगे भी कुछ है? यस, बुक कीपिंग इतना ही है या इसके आगे भी कुछ है? यस, दिस इज ओनली बुक कीपिंग। आपने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को सिर्फ जनरल एंट्रीज के रूप में रिकॉर्ड कर दिया इन अ सिस्टमैटिकल मैनर, दैट इज बुक कीपिंग। तो सर ये बाकी जो चीजें हैं वो क्या है? What is difference between bookkeeping and accounting? कौन बताएगा? हाँ, bookkeeping is a part of accounting. एक छोटा सा part है accounting का bookkeeping तो. Accounting तो एक broader terminology है. Accounting में क्या आ जाता है? Recording से लेके interpretation और communication तक की सारी process accounting के अंदर आ जाती है. Right? Recording से लेके interpretation तक. अपन ने देखा था ना, generating information और use of information. तो रिकॉर्डिंग से लेके टिल इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन तक सारी प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर आ जाती है, और बुक कीपिंग इज जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछ ले, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो क्या बताओगे आप? चलो बताओ, आपके बेसिस एनालिसिस पे बताओ। यस, वेरी गुड, चलो ये पॉइंट मैं लिखता जाता हूं, और ये कि यही आपके आंसर निकलने वाले हैं। यस, बताओ, दिस इज ब्रॉडर टर्म एंड दिस इज नैरोअर टर्म। मतलब ये बोल दूं कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, है ना? हाँ, और बताओ, इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग प्लस क्लासिफिकेशन, हाँ वो सारा ले लो, रिकॉर्डिंग टिल कम्युनिकेशन तक सारी प्रोसेस आ जाती है। चलो, समझ आ रहा है ना? मैं बताऊंगा, अभी वापस बताऊंगा, एक बार आपके पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं, फिर और लिखते हैं। और बोलो, ठीक बात है। हाँ, वो यहाँ पे अपन आ गया कि दिस इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, और ये भी बोल सकते हैं, हाँ बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, हाँ ये भी गुड गुड, बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, जो जनरल अकाउंटिंग जानता है वो भी बुक कीपिंग कर सकता है, बट अकाउंटिंग हर कोई नहीं कर सकता है, एनालाइजिंग हर कोई नहीं कर सकता है, एक्सपर्ट होना जरूरी है, राइट। चलो, मेजरली डिफरेंसेस यही है। अच्छा, इससे फाइनेंशियल पोजीशन का पता पड़ सकता है बुक कीपिंग से? नहीं पता पड़ सकता, अकाउंटिंग से फाइनेंशियल पोजीशन का पता पड़ता है। तो बुक कीपिंग से डिसीजन ले सकते हो क्या? नहीं, अकाउंटिंग से डिसीजन ले सकते हो। दीज आर द डिफरेंसेस, खत्म, लिख लेते हैं अपन प्रॉपरली से, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब जो तुमने बताया, मैंने कुछ भी नहीं बताया, देखो ये सब तुमने ही बताया, बस जनरल बेसिक आइडिया लिया और तुमने बता दिया इसको, तो इसको लिखे। चलो, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, पहला, यहां सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, और यहां क्या होता है, समराइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं बेस फॉर अकाउंटिंग, जो आपने बताया था ब्रॉडर टर्म और नैरोअर टर्म, तो दिस इज बेस फॉर अकाउंटिंग,
और अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस को समझना है तो बिजनेस बोलता नहीं है, लेकिन बिजनेस की बुक्स बोलती है, राइट? सो दिस इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मेरी राइटिंग तो यार वास्तव में तुम्हें समझ नहीं आएगी, आदत, मैं तो नोट्स ही बनाऊंगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे। LANGUAGE, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है? तो पहला क्या हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, अपना बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या है, समराइजेशन एंड एनालिसिस, ठीक है ना? फिर बेस फॉर अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है? तीसरा, तीसरा हाँ वहां वाइट ये लिख सकते हो, लिख लो ये भी, दिस इज नैरोअर टर्मिनोलॉजी। चलो अपन यहां लिख लेते हैं नैरोअर टर्मिनोलॉजी एज पार्ट ऑफ अकाउंट्स, एज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, और दिस इज ब्रॉडर, ठीक है ना? बुक कीपिंग ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंट, पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना? चौथा, वी कैन नॉट प्रिपेयर फाइनेंशियल्स, वी कैन नॉट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना? बुक कीपिंग से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते, और यहां हम प्रिपेयर कर सकते हैं अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते तो आप कोई फाइनेंशियल पोजीशन को भी आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट आइडेंटिफाइड, कैन नॉट आइडेंटिफाइड। यहां पे यस फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी आइडेंटिफाइड, हाँ, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना होता है, एग्जैक्टली, परफेक्ट है, फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी आइडेंटिफाइड। अब जब आपको फाइनेंशियल पोजीशन आइडेंटिफाइड नहीं हो सकती तो डिसीजन मेकिंग भी आप नहीं कर सकते, है ना? नो डिसीजन मेकिंग, नो डिसीजन मेकिंग, ये कनेक्टेड चलना एकदम। ये देखो ये तीनों चीजें कनेक्टेड चल रही है, इन तीनों चीजों को याद करने के लिए ना एकदम कनेक्टेड चलना। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते, तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते तो फाइनेंशियल पोजीशन को आइडिया कैसे करेंगे, जब फाइनेंशियल पोजीशन का आइडिया कैसे करेंगे तो डिसीजन कैसे लेंगे, राइट? तो ये तीनों पॉइंट आपके कंबाइंड चलने चाहिए, तो एकदम आपको कहीं याद करने की जरूरत नहीं आएगी। और डिसीजन मेकिंग, यहां पर डिसीजन मेकिंग हो सकती है, चलो। तो ये आपका मैंने बुककीपिंग और अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी को भी यहां पर बता दिया है, राइट? चलो तो अभी अपन ने क्या देख लिया है, सबसे पहला रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, और यहां क्या होता है, रिकॉर्डिंग के बाद की जो एक्टिविटी होती है टिल द कम्युनिकेशन, वो सारी यहां पर आ जाती है, ठीक है ना? क्लासिफिकेशन करना, समराइजेशन करना, फिर एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना। दूसरा, दिस इज बेस फॉर अकाउंटिंग, दिस इज बेस फॉर अकाउंटिंग एंड दिस इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आज जो आपको बिजनेस बोल के थोड़ी बताएगा, बिजनेस को समझोगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज नैरोअर टर्मिनोलॉजी एंड दिस इज ब्रॉडर, ठीक है? फिर ये तीन पार्ट आपके साथ में चलने चाहिए, इसमें पार्ट भले ही आपको एक ही याद हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि वी कैन नॉट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन का कैसे पता पड़ेगा, जब फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं पड़ेगा तो मैं डिसीजन कैसे लूंगा। तो ये तीन पार्ट आपके एक साथ कवर हो गए, राइट? राइट, और यहां पर ये तीनों हमें यहां पर समझ आ चुके हैं। तो यस, कौन बताएगा, आप ट्राई करोगे डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, कोशिश करो, आराम से बैठ के बोल दो बिंदास। रिकॉर्ड, बिल्कुल, सारे आगे रिकॉर्डिंग के बाद का सारा काम अकाउंटिंग में आ जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, बड़ा है, हाँ, अकाउंटिंग का स्कोप बड़ा है और इसका छोटा है,
ठीक है, बिकॉज बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए, बिल्कुल ठीक है। चौथा पॉइंट, हाँ, मतलब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां पर आपका क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप नहीं बना सकते, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते तो फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं लगा सकते, जब फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं लगा पाओगे तो डिसीजन नहीं ले पाओगे, तो 3 पॉइंट एक साथ ही कवर हो गए, राइट। और वाइस वर्सा, वो इसका अपोजिट इधर हो जाएगा, राइट। चलो अब मुझे बताओ फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, वो याद कर लो अपना एमजीएफ मॉल में सीसीडी, एम से मेजरमेंट, जी से गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है अपने को, ठीक है, फोरकास्टिंग, सीसीडी कंट्रोल, कंपेयर एंड इवेल्यूशन, कंपेरिजन एंड इवेल्यूशन, डी डिसीजन मेकिंग। तो फंक्शंस भी आपका हो गया, ठीक बात है, यहां तक कंप्लीट। एक और अपन ने क्या लिया था, ऑब्जेक्टिव, आप बताओ ऑब्जेक्टिव, अपना अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ दसना, सिर्फ डीएस, एसआरएफ डीएस, बोलो, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। फिर जब सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करोगे तो उसका रिजल्ट, रिजल्ट, हाँ, फिर रिजल्ट अगर आएगा तो उससे बेसिस पे फाइनेंशियल पोजीशंस, फिर डी से डिसीजन और एस से सॉल्वेंसी पता पड़ जाएगी आपको, है ना। चलो अब मैं इसके नोट्स बनाने ही पड़ेंगे मुझे, मेरी राइटिंग तो बहुत घटिया किस्म की है, तुम्हें समझ नहीं आएगी और टाइम भी कंज्यूम होता है अपना, ठीक है ना। अब अपन थ्योरिटिकल पार्ट को मैं करता हूँ, 2 दिन और लेंगे, बस 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। 2 दिन में अपन, आप सैटरडे संडे आ पाओगे क्या? सैटरडे को तो आना ही है, खैर सैटरडे को तो आना ही है, संडे को प्लान कर ले क्या? नहीं, ताकि मैं सोच रहा हूँ एक ये संडे को रिकॉर्डिंग खत्म करे, और रिकॉर्डिंग क्या रहे अपना, ये थ्योरिटिकल पार्ट कंप्लीट करे, मंडे से एकदम प्रैक्टिकल पे आ जाए अपन। नहीं, अच्छा घर जाना है, नहीं आ पाओगे, ओके कोई बात नहीं। तो अपन, मैं बात करता हूँ, या तो एक बार वीरेन सर का कोई सेशन अगर होता है ना तो मैं वो ले लेता हूँ, ताकि एक एक या दो सेशन में थ्योरी कंप्लीट कर देते, है ना, ताकि मैं नोट्स भी बना के आपको दे दूंगा। लॉ का ले ले, लॉ वाला, ठीक है, ये बात भी है, सही है आपकी, हाँ, ताकि थ्योरिटिकल तुम्हारा ये समय बच जाएगा, आना भी नहीं पड़ेगा। तो संडे को तुम मेरे साथ लाइव आ जाओ, जूम पे आ जाओ, चलेगा ना, यूट्यूब पे लाइव आ जाओ, मैं यूट्यूब पे ये सारा अपन खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ प्लान करके, तक यूट्यूब पे, हाँ नहीं, यूट्यूब पे इजी रहेगा। अच्छा, जूम पे अपन देख भी पाएंगे ऐसा, बट मैं देख पाऊंगा क्या इधर, मुझे पता चेक करना पड़ेगा, देख लेंगे, मैं अभी नीचे टेक्निकल टीम से पूछ लेता हूँ। तो अपन एक सेशन लेके कंप्लीट करते हैं संडे को, ताकि मंडे से अपन आते हैं प्रैक्टिकल्स पे, ठीक है, और फिर प्रैक्टिकल्स धनाधन 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 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तब तक आपका भी फंडामेंटल अपना मजबूत हो जाएगा सैटरडे को, है ना। चलो यही प्लान रखते हैं फिर। तो अभी आ रहे हैं लॉ वाले मैम कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए सारे, ठीक है। चलो वैसे ही जनरल, जब तक वो आते हैं जब तक जनरल डिस्कशन करते हैं। अब अकाउंट्स, तुम्हें कॉर्पोरेट के बारे में क्या मामला है, पता है कि होता क्या है? क्योंकि जितना कॉर्पोरेट से या अपने बिजनेस से कनेक्ट होंगे ना, बिजनेस या कॉर्पोरेट, बिजनेस या कॉर्पोरेट, यार ये अपना बिजनेस में अपन बनाते हैं बैलेंस शीट और फाइनेंशियल्स, ठीक है, बनाते हैं ना, कॉर्पोरेट में भी बनती है सारी चीजें। क्या होता है, कैसे बनाते हो, ऐसे ही बताओ क्या होता होगा। इमेजिन करो तुम मालिक बन जाओ, ठीक है ना, मालिक बन जाओ, उस फील से पढ़ो क्या होता होगा, चलो कॉर्पोरेट में या आपके बिजनेस में कैसे, क्या खर्चा कैसे आता होगा, क्या सिचुएशन होती होगी, सोचो, एनालाइज करो। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। मान लो ये एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपका एक बिजनेस सेटअप से ही समझते हैं अपन। सबसे पहले इन्होंने सोचा कि मेरे को तो एक फैक्ट्री डालनी है, केक बेकरी आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग बनानी है, मतलब ये मोल्ड्स वोल्ड्स बनाने हैं। तो अब आप बताओ, अब आपको क्या क्या चाहिए, इनकी हेल्प करना इनको, और क्या क्या चाहिए कहीं अटक जाए तो, क्या क्या चाहिए, मतलब इनको रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, क्योंकि जो फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिएगा, ठीक है, और मशीनरी चाहिए जिसमें वो मोल्ड्स डेवलप करेंगे, और ह्यूमन रिसोर्सेज, कोई मशीन थोड़ी काम कर देगी भाई साहब, कोई आदमी तो चाहिए ना, तो आदमी चाहिए, उसको पगार देनी पड़ेगी, तो बोलेंगे भैया कितने पे आने को राजी है तू, है ना, नहीं 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 इतने में थोड़ी देंगे तेरे को पैसा, तो सैलरीड एम्प्लॉय लगेंगे इनको, और
पैसा चाहिए भैया, मशीनें खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए, और मेरे पास तो 1 लाख रुपए ही पड़े हैं, लेकिन बिजनेस तो करना है, कर नहीं सकता। कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? लोन ले सकता हूँ, परिवार वालों को बोलूंगा दे दो, डूबने में जल्दी नहीं है ना, जल्दी डुबाएंगे आपका पैसा, ठीक ना। ऑनर्स फंड तो इनके पास 1 लाख रुपए ही है, अब इनको काम करना है 10 लाख रुपए का, तो 9 लाख रुपए बैंक से, बैंक के पास जाएंगे, ले भैया पैसा दे। बैंक बोले नहीं 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 तेरा आईटीआर इतना मजबूत नहीं है। आईटीआर पता है क्या होता है? ना, इनकम टैक्स रिटर्न। आपको अपनी इनकम दिखानी होती है, आपको पैसा कहां से मिलता है पता है? बैंक आपको आपको देख के थोड़ी पैसा देता है। नहीं नहीं यार, वो तो शरीफ लगे है यार, इन तो दे दो पैसा। ना तो वो कैसे देंगे पैसा आप, वो सोचो। नहीं, ये सब आपको पैसा देते हैं बेस्ड ऑन योर इनकम टैक्स रिटर्न। भैया ईमानदार आदमी है नहीं है, अपनी इनकम कितनी दिखा रहा है? साल की इनकम 3 लाख रुपए है और 30 लाख रुपए की बातें कर रहा है। नहीं, देंगे वो। आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, बैकग्राउंड में मतलब आपका इनकम टैक्स, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपका कोई टैक्स कंप्लाइंसेस में गड़बड़ी का रिकॉर्ड तो नहीं है, आपका कोई लीगल गड़बड़ के रिकॉर्ड तो नहीं है। भाई आपको कोई लीगल तुमने गड़बड़ तो नहीं कर दी है ना? लीगल कंप्लाइंसेस भी होते हैं ना, मान लो तुमको कोई पैन नंबर देना था तुमने नहीं दिया, तो ये सारे लीगल कंप्लाइंसेस के सारे ट्रैक रिकॉर्ड तुम उनको पता पड़ जाते हैं, तो उसके बेसिस पे बैंक आपको एनालाइज करता है और फंड करता है। इनको 10 लाख रुपए चाहिए था, 1 लाख इनके पास पड़ा था, 4 लाख रुपए इनको बैंक ने दे दिए, तो 5 लाख रुपए हो गए। 5 लाख अपने घर परिवार रिश्तेदारों से ये ले सकते हैं, राइट? तो 10 लाख और बताओ। यस, और क्या हो सकता है? तो इन्होंने रॉ मटेरियल ले लिया, इन्होंने पैसा ले लिया, इन्होंने एम्प्लॉय हायर कर लिए, और क्या चाहिए इनको? ठीक बात है, कस्टमर्स पे माल बनाएंगे, माल बनाएंगे, उसके लिए मार्केटिंग का खर्चा लगेगा, उसके लिए जगह चाहिए, जगह में एसी लगाएंगे, उसका किराया देना पड़ेगा, लाइट का किराया देना पड़ेगा, ये सारे खर्चे इनको करने पड़ेंगे। फिर खर्चे करने के बाद इनका माल बिकेगा, माल बिकेगा तो वो सेल्स होगी, ठीक है ना? तो सेल्स में से खर्चे लेस करेंगे तो निकलेगा प्रॉफिट, राइट? वो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। चलो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग में क्या हुआ? सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो निकला ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस करोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जिसका कोई लेना देना नहीं है सेल्स से, है ना? दीज आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ सेल्स, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट खर्चे लेस करोगे, उसके बाद निकलेगा आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है? नेट प्रॉफिट, हाँ, जो आपका कैपिटल में ऐड या लेस होगा। सो ये सारे, यही तो ट्रांजेक्शन होते हैं अकाउंट्स के अंदर, इसके अलावा कुछ नया होता है क्या? नहीं ना, तो फिर इतना डरने का क्यों अकाउंट्स में? बहुत आसान रहेगा तुम्हारा ये सफर जो आने वाला है ना। और यहां पर अभी तो मैं शुरू नहीं कर रहा हूं, बकायदा बाद में मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए, अभी तो शुरुआत के इस 15 से 20 दिन तो नहीं, एक बार मेरे को भी प्रिपरेशन में टाइम लगेगा सब चीजों में, मैं क्या करूंगा बकायदा एक कंपनी, जैसे इनकी कंपनी है ना, तो उनके लिए एक प्रॉपर एक चेकबुक बनेगी, प्रॉपर इन्वॉइसेस इनको मिलेंगे, प्रॉपर इन्होंने सेल्स एंट्री कैसे करनी है वो बनेगा, प्रॉपर इनका स्टॉक रजिस्टर कैसे होता है वो बनेगा, प्रॉपर इनका जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के लिए बैंक स्टेटमेंट और ये सब चीजें हैं वो सब दूंगा, ताकि तुम जब रियल सिनेरियो के साथ समझोगे ना तो तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें याद ना करना पड़े, लोड ना आए, तो अपन उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान करने वाले हैं, बट अभी नहीं। मान के चलो मेरे को भी महीना भर तो लग ही जाएगा इन सभी चीजों को सेट करने में, ठीक है? मतलब मान के चलो आज क्या तारीख है, 5 तारीख हो गई है, 25 तारीख तक मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी चीजें आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में मिल जाए, ताकि उसके बेसिस पे तुम खुद किसी भी कंपनी को अच्छे से समझ सको, उसकी अकाउंटिंग अच्छे से कर सको, ठीक है ना? क्योंकि प्रैक्टिकल जब हम साथ साथ चीजों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे ना, तो लोड नहीं आएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कहाँ गलतियां होती है, क्या होती है, वो सब समझ में आ जाएगी, और साइमल्टेनियसली हमारा चैप्टर भी हम कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है? तो इस संडे को मिलते हैं, कल तो मिलेंगे ही अपन, ठीक है? और इस संडे को मैं आपका पूरा ये थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करके मंडे से अपन प्रैक्टिकल पे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? चलो। फट से आपके दिमाग में होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, सिर्फ 10 फंक्शंस, MGF मॉल के अंदर सीसीटीवी में पार्टी करनी है, बस।